जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश स्वेर समय दे ना पावन दीवाना नू असी माण रहे हां। गुरु हजूरी दी आबा नू माणदे हां भावें शरीरक रूप विच गुरुद्वारा साहिब हाजिर होने का सुभाग बनया है या घर थावां तो टैलीविजन राही या होर मीडिया आउटलेट राही एज ए लिसनर एज ए व्यूअर असी गुरु शब्द नाल अपने आप नूं आत्मसात कर रहे हैं वडभागी हाँ। आसा की वार दा कीर्तन होया उपरंत अरदास दी शमूलियत दे नाल अज दा गुरुवाक गुरु हुकम ज्ञानी चरण सानू दोहरा के सरवण करवाया। पावन पाठ आप सरवण कर चुके हो हुण असी सीधा ही इन्हां पावन बचना दी व्याख्या दी नाल सांझ पावांगे। सब तो पहला दास द्वारा बुलाई फतेह प्रवान होए कह देना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा ये गुरुवाक राग बिलावल विच्चों आ रहा है महला पंजवां गुरु अर्जन पातशाह नानक जोत दा पंजवां जामा इन्हां पावन बचनां नूं उचार रहा है। दो पद्यां दा वाक है बहुत छोट अकारी रचना है विचार रहाओ दे बंत प्रारंभ कर रहे हाँ। महाराज जो बख्शिश कर दे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हिरदय गुरचरण प्यारे रहाओ। सिमर मना राम नाम चितारे बाणी दा ऑलमोस्ट 90% हिस्सा ही साढ़े मन नूं संबोधन कर रहा है या गुरु साहब अपने मन नूं संबोधन करके सानूं जाच सिखाउंदे ने क्योंकि कारण यही है कि जो कुछ भी है ये मन की दुनिया नाल ही है। अक्सर असीं बचन पढ़ते हैं मम्मा मन स्यों काज है मन साधे सिद्ध होए मन ही मन स्यों कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई एह मन शक्ति एह मन सियो एह मन पंच तत्त को जियो। मन ही है मन नूं संबोधन करन दी लोड़ है। मन सुधरेगा तो मनुख सुधरेगा। मन का सुधार ना होया बाहर शरीरक तौर पर किदा सुधार करोगे। इस तरह जाणो एक गड्डी कार है कोई तो असी चाहते हैं कि रोंग डायरेक्शन जा रही है असी नू सही डायरेक्शन लैके जाना है तो इंस्ट्रक्ट किनू करांगे उदे व्हील्स उदा इंजन उदी बॉडी और सारा कुछ उस सारे नू जिदे हाथ विच ड्राइविंग व्हील आ उदे कोल है उन जो ड्राइव कर रहा है जिहड़ी ड्राइविंग फोर्स आ जिहड़ा ड्राइवर आ उसनू इंस्ट्रक्ट करांगे उसनू कहांगे भाई आ डायरेक्शन तेरी गलत है तू रोंग साइड नू यू आर मूविंग टूवर्ड द रोंग डायरेक्शन सो वाई डोंट यू एक्चुअली चेंज योर डायरेक्शन। तू ईस्ट नू जाण दी बजाय वैसट नू जा या वैसट नू जाण दी बजाय ईस्ट नू जा ते उहनू जिहड़ा इंप्लीमेंट करना वो ड्राइवर ने करना। जो साढ़े जीवन का ड्राइवर वो साडा मन है। मन बदलांगे तो जीवन बदलेगा जे मन नहीं बदलांगे जीवन नहीं बदलेगा। तो इस करके पहले पड़ाव दे विच मन की दुनिया नूं समझिया जाए। वैसे बाबा जी ने बाणी च बड़ा सुंदर ढंग नाल बयान किया कि ये मनुख वास्ते औखा कम है क्योंकि औखा इस करके है उन्हूं पता ही नहीं कि मैं मन के वलवलियां दे विच गवाचिया होया एक जीव हाँ। मेरी जिंद मन दे उस
वड्डे अथाह समुंदर दे विच स्टाकिया जिदे च अनेक तरह के वलवले तेवरा रामा ते उन्हां दीआं लहरां उठ रहीआं ने, तैनूं कोई पता नहीं। महाराज जी ने बड़ा खूबसूरत मैटाफोर सिरजिया बाणी विच, बाबा जी कहिंदे सन कादक नारद मुन सेखा तें भी तन मैं मन नहीं बेखा। सन कादक नारद मुन सेखा भारतीय इतिहास की जो गल करते हैं तो वो बहुत सारे करैक्टर्स उन्होंने जिहड़े ने मिथे ने या मिथ्यासक तौर पर मिथ्योलॉजी दे विच प्रजेंट किए ने। उन्हें जो सब तो सियाना परिवार ते खानदान बयान किया ब्रह्मे का बयान किया कि ब्रह्मा ते उहदियां औलादां वो सब तो सियाने सीगे। ब्रह्मे दे औलादां दे च सनक सनंत सनंत कुमार वगैरह ये उहदे लड़के हैं, उन्हां दे बच्चे गिने गए ने। महाराज बयान करदे सन कादक सनक सनंदन ते सनत कुमार वगैरह जिहड़ा सारा कोड़मा आ उहदी बात कर ली। सन कादक ब्रह्मा ते ब्रह्मे दा सारा खानदान वह भी अपने तन विच मन नूं ना वेख पाए। जो मन ने इस तरीके का जोर पाया कि मन की दुनिया के सामने वह भी मजबूर हो गए। पूरा मिथिहास पढ़िए, वक्रे वक्रे जो शास्त्र वगैरह उन्होंने बयान किए उन्होंने पढ़ोगे तो पता लगेगा कैसे कैसे गुस्ताख अमल ये खानदान कर रहे हैं तो करवाए जा रहे हैं। कौन करवा रहा भाई? मन करवा रहा। सो इस करके बयान किया कि ये मन इतना जोरावर आ, वड्डे वड्डे अवतारी लोगों इसने अपने पिछे ला लिया, जिन्होंने लोग मनते, जिन्हों की पूजा अर्चना लोग करने वास्ते वधदे। सबनों की मिसाल दी सन कादक नारद मुन सेखा। नारद कोई बहुत ज़्यादा सियाना इंसान होए तो असं उसने कहने कि ये तो भाई देवता है, ये तो दैव बिरति विच है, ये तो दैवी गुणा नाल प्रणाया है। ठीक है जी, देवते होना या किसी नूं कहना देवता जी तुसीं ते बड़े वड्डे दैव बंदे हो जी, उस रूप विच बयान किया गया। पर जे आपां देखिए तो जो शख्स देवत्यां नूं पढ़ाउंदा होएगा, देवत्यां नूं समझाउंदा होएगा, वह कैसा होएगा? देव गुरु नारद देवत्यां दा कुल गुरु है, उन्हां नूं पढ़ाउंदा, उन्हां नूं समझाउंदा। इतिहास पढ़ांगे पता लगेगा ऐसे ऐसे अमल किए उसने मन के पिछे लग गए। क्या सन कादक नारद मुनि सेखा। मुनि सेखा वैसे दर्थ कई ने शेख भाव विच कीते ने, पर कुछ टीकाकार इस नूं बयान करदे कि मतलब कुछ विशेष मुनि, विशिष्ट मुनि जिन्हां नूं कहा जाता है। ये सारे नहीं गए, थोड़े बहुते ने पूरे ऋषि जगत या मुनि जगत, उन्हां नूं भी तुसीं वेख लवो। उन्हां सारिआं नूं जो तुसीं गोखो पड़ताल लोगे तो पता लगेगा सियाने तो सियाने, चंगेरे तो चंगेरे, वो लोग मन की दुनिया के सामने मजबूर नज़र पाए ने। बचने आ सन कादक नारद मुन सेखा तेह पी तन मैं मन नहीं पेखा। वो भी इस तन दे असल ड्राइवर नू, मन नू पहचान ना सके। सो ये मन इतना जोरावर आ, बाबा जी तो कहिंदे जे कोई सोचता है ना कि लै मन मेरा की बिगाड़ लेगा, मन मैं तो मन को कंट्रोल कर लाँगा, मन मेरे आखे लगेगा, बाबा जी कहिंदे भुलेखे च तेनू कोई पता नहीं मनुख मात्र कि इस मन की एबिलिटी की है। साहब बयान करते कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत। मना किन्ने किन्ने तेरे ते विश्वास करके अपनी बेड़ी च वटे नहीं पाए। जदों कई बार असी पंजाबी दे अखाण पढ़ते हाँ, जिन्होंने इंग्लिश ईडियम कहा जाता मुहावरे, मुहावरेदारी, जिदे च भाषा का बड़ा गूहड़ ज्ञान पिया हुंदा है। पंजाबी का अखाण है कि सौं दीए जी दी न पुत दी न धी दी। कोई बंदा बहुत इस किस्म के नाल किसी विश्वास दवाए कि इन्हों
मैं अपने पुत बारे बिल्कुल सीधे तौर पर दसदा वह आ कम नहीं कर सकता, मैं अपनी धी दे बारे आ गल कह सकता, वो इस तरह का मतलब वो आ गुण आया आ खूबी आ औगुण नहीं हो सकता। यू नैवर नो, कोई किसी के बाबत किसी के अंदर की चल रहा है, कोई किवें सोच रहा है, कोई किस तरीके दे नाल किसी गुण औगुण का आधार नहीं है, सानू की पता, एक वक्रा इंडिविजुअल है, असी उहदी कोई सौं नहीं दे सकते, असी उहदे बाबत कोई किसी ने यकीन नहीं दवा सकते। पंजाबी का ईडियम है सौं दईए जी दी पुत दी ना धी दी, पर जो गुरबाणी आश च आ जाइए इत्थे ईडियम भी झूठा हो जाता। पुत धी दी अपनी औलाद की अपने ऑफ स्प्रिंग्स की अपने सिबलिंग्स की उहदी ते सौं की दोगे, अपने आप दी भी नहीं दे सकते, अपने जी दी इस वक्त जी की कर रहा है अगले पल की करेगा। नो, चलो कोई बंदा कह सकता भाई साहब नहीं नहीं मैं तो बड़ा सैल्फ कॉन्फिडेंट है, मैं तो पूरा यकीन नाल कह सकता मैं तो किसी इस पासे जावांगा ही नहीं। चलो तुहाडी गल मनी जा सकती है, पर बाबा कबीर नहीं मनते। बाबा कबीर जी तो बयान करते कहिंदे कि कबीर गर्भ ना कीजिए रंक ना हस्यो कोई, अजो सो नाओ समुद्र में क्या जाना क्या हुए। कहिंदे गर्भ का दा अहंकार का दा रंक ना हस्यो कोई, रंक गरीब नू क्या जाता है, गरीब सिर्फ बंदा मायक पक्ष तो नहीं आता, मायक पक्ष तो जिहड़ी गुरबत जिहड़ी पॉवर्टी है इसनू किते ना किते बंदा एड्रैस कर लैंदा है, जिहड़ी जहनी मुफलसी है जिथे अकल मुक जाती है, सियाणप मुक जाती है, समझ मुक जाती है, उतों फिर बंदे दियाँ जिहड़ियां रोंग चॉइसिस ने जिहड़ियां गलत जिंदगी दियाँ चोणां ने वह शुरू हो जाती ने। धरती ते जिहड़े लोग असी पैर पैर ते ठोकरां खांदे, अपनी बेइज्जती करवाउंदे, एम्बैरसमेंट फील करदे, वक्रे वक्रे किस्म दे लोकां तो लांछण लवाउंदे, लोकां तो फिटकारां खांदे वेखदे आ, इह की ने, गरीब लोग ने, गरीब अकल दे गरीब ने। इन्हां नूं वेख के हसी ना, इन्हां नूं वेख के मजाक ना उड़ाई, बाबा कबीर कहिंदे। क्यों बाबा कबीर, ये ठोकरां खा रहे ने, मैनूं तो हसना चाहिए, ठट्ठा करना चाहिए, ब्याह देखो आ अकल दे मारियां दा की हाल है। बाबा कबीर कहिंदे इस करके ना हसी क्योंकि तेरा भी कोई पता नहीं। मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, मैं तो कभी कोई गलती नहीं की, मैं तो गलती करने वाले पासे जाता ही नहीं गा, मैं तो राह ही नहीं फटदा जिहड़ा राह किसी गलत पासे लेके जाए। बाबा कबीर कहिंदे हुण आ समय अगले पल की होएगा, यू नैवर नो, अजो सुनाओ समुंदर में अजे बेड़ी तेरी पानी च, ते जदों बेड़ी पानी विच आ ते खतरा हर पल बनिया, हर पल एक एक निमक निमक पल, पता नहीं किहड़ी लहर आवे जोर दी, वो बेड़ी नूं अपने नाल समेट के लै जे डबो दे। मन विचारां दीआं लहरां ने, जिहनूं साहिब ने कहा सीगा कि देख ये जिहड़ा तेरा जीवन है ना, मात गर्भ मैं आपन सिमरन देते हैं तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर मैं, पावक सागर अग का समुंदर है पूर दा पूरा, मन ही अग का समुंदर। क्या जीवन मनुख का जीवन मां की गर्भ की पट्ठी च खिर सकता है, क्योंकि उत्थे एक दर्जे हरारा है, गर्मी है, उस जिसने इंग्लिश दे च वूम या ओवन कह दें लोग, उहदे च जीवन पनपदा है, उहदे च पकदा है, पर यह भी संभावना है वह अग की गरमाइश गल भी सकता है, क्योंकि जी कुख की गर्मी है खा जाती है। बड़े अज भी मिसकैरेजेस किन्ने हो जाते हैं इन्ने मैडिकल फिट वर्ल्ड दे विच, क्या पॉसिबिलिटी है, पर जेकर सपोज करो उत्थे कोई जीवन नहीं खरदा, नहीं उस रूप दे विच खिरदा, नहीं गलदा पट्टी च, वो बन के पक के आ जाता है एज ए बेबी दे रूप दे विच, ते मत जाणो कि वो जीवन पूरा हो गया ना। बाहर भी एक इनविजिबल अग तर तुरी फिरती है, वह कि पावक सागर अथा लहर में, ये माया दी संसार दिया बेअकलिया दी संसार दे विच
माया प्रस्तगी दी साकत मतदा दी जो दुनिया का कूड़ कबाड़ सारा ते मन इकट्ठा कर लेंदा मन उन्हां लहरां दे मताहत आके उन्हां दे प्रभाव विच आके वो करन लगदा जो नहीं करना चाहिदा उस पासे तुरदा जिस पासे नहीं तुरना चाहिदा। पावक सागर अथा लहर में तारो तारण हारे फिर अरदास है मालक तू तार। इस मन का कोई पता नहीं कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया नरक की रीत। जिहड़ी चीज नूं मोह लैंदी है महा मोहनी मन्या जाए जदों बंदे दी दुनिया दे विच सब कहिंदे चार बरन चौहां के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंचों ही मोह छलीरे। अपने आप नूं मैं कहा मैं बहुत सियाणा हाँ कोई भी शख्स एज ए इंडिविजुअल मैं बड़ा बलवान हाँ मल मन का सूरमा हाँ मेरे अंदर ते कोई चीज प्रभाव नहीं पा सकती। बाबा जी कहिंदे तेरी ते गल ही नहीं करते आपां गल करदे हाँ चार वर्ण चौहां के मर्दन चारे वर्ण भारतीय खिते दे विच वर्ण वंड दे विच समाज चलदा सीगा ब्राह्मणी रहोरी ते मुताबक गुरमत ने तोड़ी चीज ते जिहड़ा हैगा एक वर्ण किया सारिआं नूं ते उह वर्ण किहड़ा सीगा असीं सारे रब की जोत आ ते साडी जात रब दे मनुख आ इस रूप विच। खैर कहा गया कि चार वर्ण चौहां के मर्दन समुचा समाज ते समुचे समाज दे विच भी अलीट जिहड़ा उमदा आ जिहड़ा अल आया चुन लिया जाए उन्हां लोकां नूं जिहड़े मर्दन चारे वर्णां दे विच पूजे जांदे लोक ने मन्ने परमन्ने लोक ने उन्हां सारिआं नूं कढ लो गिणती करके इतिहास विच्चों मिथिहास विच्चों विरासत विच्चों विरसे विच्चों ते तुहानूं पता लगेगा ओ माई गॉश इह सारे लोक ही मन दे गुलाम ने मन तों ते कोई भी आजाद नहीं गा ते मन मन गुलाम वकारां दा महा मोहनी मोहिया वकारा ने इन्नी बुरी तरह मोहया आ मन की अपनी कोई इंडिपेंडेंट कोई पहचान ही नहीं रह गई। साडा मन जहो जे डीड्स जहो जिया टेंडेंसीज जहो जिया हैबिट्स हैबिचुअलिटीज अडॉप्ट करी जाता है मन ओहो जे बनी जाता। इस तरह जाणो इन्हूं होर जे सरल करके बयान करना होए महाराज कहिंदे मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया। मन वैसे तो जोत दे देश रहे रब दे गुणा दे देश रहे तो मन सोभदा आ मन वो देश छड़ जांदा मन किते काम दे देश चा वसदा किते क्रोध दे देश मोह दे देश लोभ दे देश हंकार दे देश ईरखा दे देश द्वैख दे देश तृष्णा दे देश चा वसदा। हुण जिहदा मन ही ईरखा दे देश चला गया द्वैख दे क्रोध दे वाशना दे वो तन बिना शक गुरुद्वारे आके बैठ जाए मन परदेसी हुण लगता है मैं गुरुद्वारे हाँ मन तो कहिंदा मैं तो अपनी ईरखा दे देश हो केयर हुण ना उतो परते वापस ना वो तन दे नाल आवे ना इस तन की एनर्जी किसी चंगे पासे लगे। बंदे की समस्या यही कॉम्पलैक्सिटी है। फिर कमाल यह भी है कि यह जानता भी है कि मेरा देश वो है मैं क्रोध के देश नहीं सोभदा मैनू शांति के देश जाना चाहिए मैनू वाशना के देश नहीं रहना चाहिए मैनू संजम के देश रहना चाहिए। पर साहब कहिंदे है ना कमाल मन जाने सब बात सारे ही जानता सारे ही ज्ञान है दे कोल जानत ही औगन करे जान बुझ के फिर औगन कर दे। इसी करके बयान किया कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महा मोहनी मोहया मोह लिया उस महा मोहनी ने जिहड़ी इहदे असल वजूद नहीं भुला गई जिहनूं असीं कहिंदे कि किसी नूं हिपनोसिस हो जाना
जो रियल नहीं हैगा उसनू रियल मन लेना, जो असल विच होना नहीं चाहिदा उहदे विच जाके गलतान हो जाना। सो बचने आया कि इस मन नू जानदे होए भी इहदा अहसास होण दे बावजूद भी इह फिर उही चोणा करदा, उस पासे जांदा। फिर सारे तो बचा दा तरीका की है? चलो ते सी वी वर टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम दैट वाज दैट इट इज ए प्रॉब्लम टॉक बट व्हाट इज द सॉल्यूशन, वेयर कैन वी फाइंड एनी सॉल्यूशन सो दैट वी कैन अप्लाई इट इन दिस स्पेसिफिक शब्द विच हैज बीन ब्लेस्ड टू अस एज ए हुक्मनामा टुडे। बाबा जी गुरु अर्जन साहब इज सेइंग सिमर मना राम नाम चितारे। चितारे बड़ा प्यारा लफ्ज है। असी कई बार कहने किसी कह दें मैनू आ गल चितारी या मैनू आ गल ना चितारी, बिल्कुल मुड़ के चेते ना कराई, याद ना कराई, सिमरन है। इसे करके लाइन से जो सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हिरदय गुर चरण प्यारे, भाव मैनू आ चीज स्मृति च पा दे, याद च पा दे। हुण याद का तसव्वुर यह हुंदा आ कि जो कोई साडा बहुत वैल विशर आ शुभ चिंतक, असीं सवेरे घरों निकलन लगे हाँ तो साडा कोई जरूरी काम है तो सानूं कहिंदा भाई वो याद करा दे तैनूं आ काम करना है, चितार रहा सानूं कोई। अज तां साडा सब तो वड्डा शुभ चिंतक पता कौन है? साडा समार्ट डिवाइस। असी चीज़ां भुल जाने वो याद रखता है। आपनूं पता होएगा कि भावें वह सीरी है भावें एलेक्सा आ, तुसीं देखोगे वो वार वार तुहानूं चीज़ां याद कराउंदा कि वह भाई आह कम रह गया करन वाला, आ रह गया इस तरीके नाल जिहड़ा उहनूं फिट बैठदा। ते वी सच है सानू तो चीज़ा भुल भुला जांदियां ने करके या किसे कुछ करके उन्हूं याद हुंदियां ने। इसे नूं डाटा कहा जाता है कि तुसी चार साल पहला किहड़ियां चीज़ां देखियां पढ़ियां सुनियां किस तरीके का कोई किसे नाल कम्यूनीकेशन किया तुहानूं तो नहीं याद होएगा, पर जे तुसी इहदे रिकॉर्ड जाओगे उहनूं सारा याद है। एग्जैक्टली इन बिन साड़ी जिहड़ी मैमरी का काम है वह है, क्योंकि असी कॉन्शियस लैवल ते इन्ने चेतन नहीं है तो असं उसनों कहने पिट्स ओके। पर कई बार असं फिर बाद च बड़े परेशान भी होंने, पता नहीं क्यों मैं यहोजे सुपने आते हैं, पता नहीं यहोजे ख्याल क्यों आते हैं, पता नहीं एवें क्यों होंगे भाई पिछे देख जाके तेरे चेते च सारा कुछ ही पिया आ। पर होया कि वक्त दे नाल तू उस चीज़ नू मन की दुनिया विच उहदे बारे अवेयर नहीं रहा, तो जिहड़ी अवेयरनैस आ ये एक्चुअली चेतारना आ, ते सही बाबत चेतारना गलत बाबत नहीं। ये चेता शक्ति जिहड़ी है इसनू सही रूप विच यूज करना, इस्तेमाल करना, इहदे लई बंदा कॉन्शियस लैवल ते किन्ना कर सकदा है। इस करके गुरु बाबा जी ने कुछ नितनेम पाया साडा जाती भी ते जमाती भी। सवेरे उठे बाणी पढ़ी चेते कीता, चेते कीता एक ओंकार नूं, चेते कीता आद सच जुगाद सच नूं, चेते कीता कि सचियारा होई है। ये सब चेता कर रहा बंदा, चिता रहा है, चितार रहा, दस रहा अपने आप नूं मन की दुनिया विच पा रहा है, मना आ मेरा राह आ इस पासे जाना है, आ रूप आ। ये जिवें जिवें चितारांगे ना चीज़ां नूं हौली हौली ये साडे ख्यालां दा संगी बनेगा। ये ख्याल सानूं अपना जिहड़ा आ कितना कितने कोई उंगल फड़ाएगा सानूं, कोई सानूं अपने एहसास की कन्नी फड़ाएगा, असीं उहदे नाल फिर वाक करना शुरू करांगे। यही ट्रांसफॉर्मेशन आ, यही तब्दीली है, होर कोई तब्दीली बाहरों नहीं आ सकती, फोर्सफुली तो हो ही नहीं सकती। मैं तो हालांकि लंबे समय तो एडिक्शन काम कर रहा हाँ, तो साढ़े कोल
रीहैब ते रीहैबिलिटेशन सेंटर्स दे डिफरेंट डिफरेंट डाटा एनालिसिस होंगे ने। जो तुसी देखते हैं तो पता लगता कि जिहड़े रीहैब्स हैगे ने उन्हां च लोकां नूं भेजिया जाता है, उस तो बाद रिकवरी होंगी उन्होंने, चलो भाई इन्हों एडिक्शन तो रिकवर करो, इन्हों बैड हैबिट्स तो रिकवर करो। इस रूप के एहसास आता है क्योंकि उत्थे रिकवरी किन्ने दिन की होंगी है, अब्बल तो वड्डा हिस्सा जिहड़ा उहदे च रह ही नहीं सकता क्योंकि फोर्सफुली तुसीं किसी नूं किन्ना किन्ना क रख लो गए। जिन्नी देर तक अंदर की दुनिया वह नहीं बदलेगी तो बदलेगी जे कोई चीज़ चितवनी विच हौली हौली उकरेगी, तो जदों कितें कुछ चोण करन दा वक्त बनेगा, मतलब इस तरह कह लो कि सबस्टेंस नूं एक फूड लै लो, हुण फूड ही है, बंदे ने इनटेक करना नहीं करना, बंदे नूं कैमिकल लैना नहीं लैना, बंदे ने वो हैबिट अडोप्ट करनी है नहीं करनी, चेते रहे नहीं करने, चेते च भुल जाए चेते आवे हाँ करनी है बस। ये जिहड़ा चितारण का मसला आ, हालांकि ये इतना ज़्यादा साढ़े कोल अज असीं मैडिकली परफेक्ट दुनिया जा के भी ये सारे दे बावजूद उतनी इलीटरेट हाँ जिन्हें अज तो 1000 साल पहला सा या 2000 साल पहला सा, क्योंकि जो यूनिवर्सल तरीका एदा ये तो उही है। उहदे च उह कहिंदे ने ड्रिलिंग करनी, रैपीटिशन करनी, एनवायरमेंट दे विच इहो जिहा माहौल क्रिएट करना कि उसनों वार वार इस चीज़ का अहसास करवाना। तो अहसास सिर्फ वर्ड्स कल्ले नहीं करते, इहदे लई बहुत सारिया चीज़ा आउंदियां ने। अजकल वो कहिंदे ने ग्रुप काउंसलिंग करो, ग्रुप काउंसलिंग का मतलब की होएगा, कहानियां सुनाओ आपो अपनी, जिहड़ियां तुसीं जिथों निकल के आए हो, जिहो जी तुहाडी जर्नी अकॉम्पलिश हुई है उहदे बाबत दसो, किसी नूं मतलब चेते कराओ कि कितने कितने तो कोई चीज़ कन्नी पकड़ी जाएगी ना कुछ तो हो सकता है, कोई विचार किसी तरीके दे नाल चेते च वस जाए। कहिंदे ने मन अपनी ख्यालां दी दुनिया च रस माणदा आ, ते जिहड़ा मन का रस आ जिसनूं मनोरंजन कहा जाता है, एंटरटेनमेंट, साडी जिन्नी गलबात है साडा जिन्ना वेखना सुनना सब एंटरटेनमेंट है। पर कई बार यह भी होंदा कि जिहड़ी एंटरटेनमेंट हो रही है वो वक्ती तौर ते एंटरटेन करती चीज़ पर लोंग रन दे विच उही बर्बाद करती, उही तबाह करती। सो उहदे चों फिर किवें निकलिया जाए बाहर, फिर यह किया गया जिहड़ी चीज़ आबाद कर सकती उहनूं एंटरटेनमेंट दे रूप में एक्सैप्ट किया जाए, पर एंटरटेन ही नहीं करती। इस करके दानिशमंदा ने कहा मन रस नूं कन रस नाल जोड़ दवो, जिहड़ी चीज़ कन नूं रस देगी। जे बाबा जी का पूरा गुरबाणी का ज्ञान ही पढ़ोगे, मतलब रागां दे गुलदस्ते पाए पे ने सारे, इतना म्यूजिकल चीज़ पाई सारे दी सारी, ते म्यूजिक की है कन रस है सारा, नथिंग एल्स। म्यूजिक सवेर तो लैके शाम तक वजी जाए पेट थोड़ा भर जाएगा तुहाडा, कदी भी नहीं भरेगा। नथिंग इज इंस्टेंट देयर, कुछ भी एकदम मिलने वाला तो नहीं गा, उहदे च कन रस आ, पर इस कन रस दे विच शब्द पाया सिखिया जिहड़ी मन तक पहुंचे, कन दे जरिए मन नाल नाता बने, चितारे मन विच उह चीज़ चेते च आ जाए, अहसास च आ जाए। वक्त दे नाल पढ़दे हां सुनदे हां समझदे हां चीज़ां सुरत दियां हाणी बन जांदियां ने। जदों सुरत दियां हाणी बन जांदियां ने, फ्रेंड जिहनूं कहिंदे आ असीं, तो तुहानूं पता आ सेम गल पेरेंट्स पंजाब वरी कहणगे, बच्चा नहीं सुनेगा, एक वारी उहदा फ्रेंड कह देगा यू नो व्हाई डोंट यू ट्राई दिस वन, दैट इज़ गुड, रियली देन आई कैन ट्राई। मॉम कहेगी आई हैव टोल्ड यू सो मैनी टाइम यू नेवर लिसन, What's wrong with you? Now you are actually making some sort of different choices. Why? Because your friend is telling you, yes. Appeal kar da. Kyunki oh barabari te khade hoke meri soch nu prabhavit karda. Bas in binya. Raavan meriyan raavan tuhanu badal denagiyan. Aisa nahi ho sakda. Tuhanu badalegi oh raah jehdi tuhadi apni hoegi.
तुहाडे अंदरों आएगी, जिहड़ी तुहाडे मन दे हाण दी बनेगी जाके। इस करके मन ही मन स्यो कहे कबीरा, मन ही मन नू समझा रहा है। मन नू कोई बाहरों नहीं समझा सकता, मन इतनी इंडिपेंडेंट इकाई है, इतना वो मतलब वो दी अपनी अटोनमी है, वो परवाह करता किसे दी, वो केयर। आपां किसे नू कोई शरीरक तौर साडे सामने बैठा साडी पूरी गल सुन रहे, नॉडिंग कर रहे, यस यस यू राइट, बिल्कुल सारा कुछ। मन कहिंदा तू बिना शक हिली जाना, सारा कुछ करी जाना, पर आपां एक गन गल नहीं खाने पैनी, बिल्कुल नो वे, वी आर नॉट गोना एक्सेप्ट इट। इथे ते इहनू फिर जदों इहो जी हालत हुंदी उह कहिंदी वी इक ना इनर एरोगेंस वी हुंदी साडे अंदर, जिहड़ी एक इग्नोरेंस क्रिएट करदी है, जिहड़ी कहिंदी हू केयर, मैं इग्नोर इट, डोंट ईवन पे अटेंशन टूवर्ड इट। ये जिहड़ा मन का अपना वजूद है, कई बार मन के वजूद बनाया हुंदा वकारा की दुनिया तो, वकारा के विचारों तो, उन्हें लगता मैं मर जाऊंगा, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डाई ना, क्योंकि जे मन मारे धात मर जाई, फिर तो सारा कुछ ही मर जाए, वजूद ही मर जाएगा सारा, एंड आई डोंट वॉन्ट टू डाई। दैन यू इन सुन के अनसुनया कर देना, सुन के अनसुनया करने का मतलब है मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे काहे की कुसलात। अंग्रेजी च क्या जाता, तुसी ना घोड़े नू पानी ते कंडे ले जाओगे, पानी दे विच भी वाड़ दोगे चल, पर यू कैन नॉट मेक होर्स टू ड्रिंक द वाटर, नो, उन्हें पीना है नहीं पीना है उहदी मर्जी है। तुसीं किसे नूं कहो प्यो कि तू टॉर्च फड़दा हाथ च, बहु काली बोली रात आ, तैनूं पता रात च ठोकरां वजन गया इस तरीके नाल, इस करके टॉर्च लै के फिर तुर ताकि पता लगे। तुसीं टॉर्च फड़ा दिओ, सब कुछ कर दिओ, पूरा अरेंजमेंट कर दिओ, उहदे ते भी ना छड्डो कि टॉर्च मैं फड़ लैणा, मैं जगावांगा टॉर्च, मैं लाइट वड्डी जगा दिंदा ताकि तैनूं ठोकर लगे। अगला कहिंदा मैं अखां ही नहीं खोलणियां, मैं अखां ही बंद कीतियां ने, हू केयर, ठोकरां तो कौवें बचाओगे ना। बाबा कबीर जी का वचन है, कबीर कहते कबीर मार्ग मोती भी थरे अंधा निकसो आए। क्या कोई हीरे जवाहरात लभण लई पहाड़ां ते जाए, समुंदरां च जाए, ना लभण फिर बड़ा परेशान होए। बाबा कबीर कहते छड़ो परां, किसी के रस्ते च हीरे जवाहरात खिलार दे, बस तुरदे नूं मिली जाण, लभी जाण अगों हीरे ही हीरे जवाहरात। भाई लभणगे किवें, जगले ने अखां ही बंद कर लिया थे, अंधा निकसो आए। वह हुण हो की रहा, पैरां च चुभ रहे ने हीरे माणक जवाहरात, तो वह बल्कि गालां कढ रहा, वह कहिंदा किड्डे पागल लोग ने, एक तो मैं अखां बंद कीतियां ने, दूजा मेरे पैरां च रोड सट्टे ने, वह कौन दसे रोड थोड़ा ने, हीरे ने जवाहरात ने माणक ने। आप रोज़मर्रा देखते हो घरां थावां दे विच मावां बच्चियां नूं समझाउंदियां, आले दुआले दे भैण भरा कई वार अपने भैण भरावां नूं समझाउंदे, तो उन्हां नूं लगदा सानूं रोड चुभ रहे पैरां दे विच, डोंट इवन टॉक लाइक दैट, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन इट। हद हो गई, कौन दसे हीरे ने, वह कहिंदा हीरे होणगे तेरे वास्ते, मेरे रोड ने, क्यों, क्योंकि मैं अखां बंद कीतियां, मेरे चित चेते च नहीं ये चीज। सब कहिंदे मन नाल राबता कर, ये वास्ता भी है मन नूं, असल दे विच सिमर मना, वो मना असिमृति कर लैना, राम नाम चितारे वस रहे हिरदय गुरचरण प्यारे। हो सकता है वो प्यारा गुरु जिदा वजूद बड़ा आलिश बड़ा उमदा है बड़ा अलाही है, वो किते चरण पैर रखने, लो कहते मेरे घर चरण पायो जे, पैर पायो जे, मींज दे पैर पहनगे उत्थे पूरा वजूद आ जाएगा, चरण कल्ले नहीं आउंदे कदी, पैर पूरी हस्ती लैके आउंदे ने किसे दी। हे गुरु तेरी हस्ती तेरे ख्याल तेरा एहसास मेरे हिरदे च वस जाए, आई रियली वांट टू इंजॉय द प्रेजेंस ऑफ वाहिगुरु ऑलमाइटी। शुरुआती पदाया भूले मार्ग जिन्हें बताया, भुले मार्ग भुलिया मानिया, मन
पटक गया है, उनकी पता राह खेड़ाया। अदरवाइज आप देखोगे, चलो खैर आज दे हालातों दे खैर फूड दे कुछ और बन गया, अदरवाइज दुध ते शराब दोवें कट्ठे एक तरीके रखे जान, जिन्ना मर्जी बंदा डम होए मूर्ख होए उसनों ये कहा जाए कि इन्हां दोनों दे विच्चों सेहत लई चंगा किहड़ा होएगा, शराब के दुध। बहुत सिंपल टास्क है, बंदा कहेगा दुध ठीक है। बाजार दे विच कीमती चीज केड़ी है? शराब। भूले मारग होर राह किवें भुलेगा बंदा? इस तो बाद तो होर कोई कोई चीज है ही नहीं जिहड़ी दसे कि भुल गए हां। ये बाबा जी कहिंदे भूले मारग जिहड़े भुल गए जिन्हें बताया उन्हां नूं राह दसिया, ऐसा गुरु वडभागी पाया। भुलिया नूं किते राहे पाउण वाला गुरु, गुरु का ज्ञान गुरु का उपदेश। अगले रे बचन ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना लीन हो जाना, मन इहदे च विलय हो गया, मन इहदे अंदर मन ने अपना वजूद ही छड़ दिता। मन अपने मैं क्या मन परदेसी जिथे वह कितने होर ही चला गया, वह कहिंदा मैं तां रहना ही इत्थे आ, अपना घर छड़ के कितने होर जा वसिया आ, वह तो मतलब कितने होमलैस होके रह रहा है। तो मन बहुत डरता है होमलैस जिवें, मतलब उहदा कोई अपना वजूद ही कोई नहीं हैगा, उसनों छोटा जा मौसम बदलता दूजा उहदी मार सहनी पैंदी। क्यों? क्योंकि उहदी अपनी कोई पक्की पाया ही नहीं कि साड़ी अपनी कोई प्रॉपर आइडियोलॉजी नहीं हैगी। जे असीं किसी प्रॉपर आइडियोलॉजी नूं अडॉप्ट करके जीवन जियांगे, अपने आप नूं एसोसीएट करांगे किसी हायर थॉट दे नाल, साडा मन बड़ा ताकतवर आ, ये बड़ी शक्ति है। पर साहब कहिंदे काम क्रोध मोह मन लीना, हाँ बंधन काट मुकत गुर कीना। पर इस सारे विचों भी गुरु बड़ा बेअंत आ, क्योंकि भूले मारक जिन्हें बताया सीगा ना, उन्हें फिर साढ़े बंधन कट दिते, सानू इहदे चों लिबरेट किया इन अलामतां विचों। दुख सुख करत जन्म फनमुआ, बाकी दुख सुख नूं करदिआं बोलदिआं जन्म फनमुआ, यह जीवन जिहड़ा हैगा मुक गया, हर घर समाप्त हो गया। चरण कमल गुर आश्रम दिया, बंदे ने जीवन दे मीनिंग्स गवा ले, पर फिर भी गुरु बड़ा बेअंत आ, उन्हें उस आश्रम दे दिता जिथे जाके भटके नूं भी आराम मिल जाए। अगन सागर बूढ़ संसारा, जिवें कहा पावक सागर अथाह लहर में तपश बंडी जा रही है, तपश हंडा रहा बंदा, पर जो तरस दे कर जागन सागर बूढ़ संसारा, सारे संसार नूं डुबदे हुए नूं नानक बाह पकड़ सतगुरु निस्तारा, ओ सतगुरु बाह पकड़ के साडा निस्तार करदा। मना तू सतगुरु नाल रिश्ता बना, उहनूं चितार उहदा अहसास सुरत च पा, डेफिनेटली तेरा भला होएगा, तेनों गुरु आप हाथ दे के बचाएगा। सब रहमत करने नाल भी वाकई चो प्रेरणा मिले, गुरमती होइए इन्हीं अग बिंदियां नाल खिमा कह देना जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।